हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? तो बहुत दिनों बाद, जो 5 दिनों बाद लगभग, जो है अपना ब्लॉग जो है ना कंटिन्यू हो रहा है। और ऐसे कुछ काम पड़ जाता है यार, जो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता यार। क्या बोलें यार, आप लोग जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहे जितना हो सके। अगर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और जरूर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए यार। मेरा जो है 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जो है आप लोग करिए, आप लोग के ही ऊपर है। और जो 750 जो होने वाला जो है और हुआ नहीं है, बाकी आप लोग चाहोगे तो हो जाएगा। और आज जो है संडे है, तो संडे के दिन जो है प्लांट का जो छुट्टी रहता है, तो संडे में क्या करें, अब जो रेस्ट रहता है तो रूम में ही जो है रहते हैं। और मेरे जो है रूम पार्टनर 3 और दोस्त हैं, और उन लोग जो है ना घर गए हुए हैं। आज संडे, मैं संडे के नहीं गया हूँ, अगले जो है शनिवार को जो है जाऊँगा, और उन लोग जो है ना मंडे को जो है घर से जो है आएंगे। और आप लोग यार क्या ही बोले यार, आप लोग ना वीडियो को फुल जो है देख ही नहीं रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। और जो है आप लोग को ऐसी जो है लाइफ स्टाइल ब्लॉग तो देखने को जो है मिलता है मेरे इस चैनल पे जो है। और घूमने फिरने जाते हैं तो उसका भी जो है डालता हूँ जो है, जो भी जितना अच्छा हो सके आप लोगों को जो है बेस्ट जो है देने की कोशिश करता हूँ जो है ब्लॉग जो है। तो इस थोड़ा गरीब यूट्यूबर को थोड़ा सपोर्ट करिए। और चलिए फिर, अभी जो है रेस्ट, अभी सोऊंगा थोड़ा थोड़ा यार अभी जो है। और आज 2 दिन से ना ऐसा मौसम किया हुआ है ना, इधर जो अपने साइड में इधर कोरबा जिला में जो है पूरा बदली छाया हुआ है, मतलब बारिश वाला मौसम पूरा बदली छाया है। 2 दिन से जो है धूप ही नहीं कर रहा है, ऐसे जो बारिश आएगा ऐसे टाइप का लगता है। और कम्बल ओढ़ के मस्त जो है सोए रहो, ऐसा है। तो आगे बने रही है दोस्तों, जो है आप लोग को और दिखाता हूँ जो है अभी। तो गाइस, अभी रात के जो है 7 बजा हुआ है, और मैं काफ़ी सो गया था, 2 बजे के सो रहा था, 4 बजे जो है उठा हूँ, और फिर जो है खाना पीना जो है बनाने में जो है लगा हुआ हूँ। तो अभी जो है चावल और जो है दाल मढ़ा दिया हूँ जो है, देखो इसमें जो है चावल है और इसमें जो है दाल मढ़ा दिया हूँ जो है, बन रहा है अभी जो है, आधा घंटा में जो पूरा जो है कम्प्लीट हो जाएगा, बन के जो है रेडी हो जाएगा। और टमाटर भी जो है काट दिया हूँ, उसको जो है चटनी बनाऊंगा जो टमाटर को जो है, इसके सब जो है दाल के साथ जो है चटनी खाने में जो है काफ़ी बेहतरीन मज़ा भी आता है। और दिखाऊं बाहर तो पूरा जो है रात हो गया है, देखिए पूरा जो है ना चकाचक जो है रात हो गया है, 7 बजे इतना काफ़ी रात लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा जो है रात। ओ भाई क्या करें, अपना दाल भी जो बहुत सीटी मार रहा है भाई, 2 सीटी और मरवाना है फिर पक गया। देखो इसमें पूरा जो है ना ज़्यादा, इसको आँच को बढ़ा देता हूँ तो इधर से जो है पूरा पानी जो है निकलने लगता है, गिरते हैं देखिए, इसलिए ये थाली जो है रख दिया हूँ नीचे। चलिए कोई नहीं, पक रहा है अब जो है, आधा घंटा में जो है पूरा जो है कम्प्लीट हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है भूख भी लग रहा है मेरे को यार, तो चलिए बना ले। गुड मॉर्निंग गाइस, आज जो है नेक्स्ट डे सुबह का जो है, अभी 8 बजे हुआ है, मैं सो का जो है 7 बजे उठे, उसके बाद जो है खाना पीना जो है बनाने में बिजी हो गया। तो चलिए अब जो है देख सकते हैं मौसम जो है आज ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, 3-4 दिन से हो गया ऐसी जो पूरा बदली छाया हुआ है, बारिश वाला मौसम जो है। और अब चलिए फटाफट जो ब्रश व्रश करता हूँ मैं जो है, फिर नहाना भी है, ऐसे मौसम में जब नहाने का मन नहीं करता यार, क्या ही बोल, फिर भी नहाना पड़ता है, तो चलिए फटाफट नहा लेता हूँ फिर। तो फिलहाल भाई साहब मैं जो है प्लांट आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है इधर आवाज़ कर रहा है यार, ऊपर से जो है पीछे जो आप लोग देख रहे हैं कूलिंग टावर है। और अभी जो टाइम हुआ है 11 बजा हुआ है, मैं तो ड्यूटी जो है 10 बजे के आ गया हूँ, प्लस इधर जो है ना काम चल रहा था, तो इधर जो देखने के लिए आया था साइड में जो है, और पीछे देखिए कूलिंग टावर, और ये है कूलिंग टावर, और ये है कूलिंग टावर, इसमें जो है ना कहना है कंडेंसर से जो है ना यूनिट से गर्म पानी आता है, तो इसमें जो ठंडक किया जाता है, तो पानी और कोयला मिलके जो है जो बिजली उत्पादन किया जा रहा है। और देखो आज तो मौसम ना काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, देखिए पूरा जो है बादल वादल बहुत बेहतरीन लग रहा है। और अभी उधर जाता हूँ और यूनिट साइड जो है उस साइड जो आप लोग को दिखाता हूँ कैसा जो है, बड़ा बड़ा सा जो है चिमनी लगा हुआ है, तो निकलते हैं यहाँ से जो इधर का काम तो देख लिए, इधर चल रहा है काम वगैरह जो है फुल जो है। ये तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है यार, देखो
और इसमें दिखाऊं तो पानी जो है ना ऊपर से गिर रहा है, इधर से पूरा जो पानी वानी नीचे गिर रहा है, ऊपर से गिरता रहता है पानी और नीचे आते हुए तक ठंडा आ जाता है। और ये जो है आप लोग देख रहे हैं ये राइजर पाइप, इसी में जो है ना गर्म पानी आता है, इसमें गर्म पानी ऐसे जाकर ऊपर जाता है, फिर उसमें बहुत सारे जो पाइप लगा हुआ है, पाइप के थ्रू जो है नीचे गिरता रहता है पानी जो है, और बाकी नीचे आते आते ठंडा हो जाता है। गेयर बॉक्स अभी जो इसको ऊपर चढ़ाएंगे कूलिंग टावर के ऊपर, इसमें जो है ख़राब हो गया एक गेयर बॉक्स है, इसमें जो है पीसी में ऊपर अभी चढ़ाएंगे। देखो इसको जो है पूरा चढ़ाएंगे, चैनल जो बनाए हुए हैं बड़ा बड़ा सा जो है उसमें जो है फंसाएंगे फिर चढ़ाएंगे ऊपर। जो देख रहा है ना इसमें जो है फंसाएंगे, चैन पुली लगा हुआ है इसके थ्रू जो है यहाँ से जो है ऊपर चढ़ाएंगे, उधर से जो है चैन पुली कैसे खींचते रहेंगे, उसके बाद जो है ऊपर चढ़ा, बहुत वजन है लगभग ना गेयर बॉक्स तो 25 लाख का आता है ऐसा है, इसका जो है ना बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ रहता है गेयर बॉक्स का, भाई इसका सस्ता नहीं आता, महंगा बहुत। देखो 25 लाख गेयर बॉक्स, देखो ऐसा जो है बड़ा बड़ा सा जो है मशीन लगा है सिटी पम्प, और प्रेशर के द्वारा जो है ना पानी को, गर्म पानी को जो है कूलिंग टावर में जो है भेजा जाता है। देखिए पूरा ऐसा जो है छः जो है इसमें जो है पंप लगा हुआ है, 4 आगरा 4 बॉम्बे 6 बॉम्बे, सभी तरफ जो है पानी को जो है प्रेशराइज करता है भेजता है। पानी जो है ना गर्म पानी यहाँ से आता है, इधर जो है कैनाल बना हुआ है, इधर ये जो है कैनाल है गर्म पानी है, और यहीं से जो है गर्म पानी आगे से पंप में जो है जाता है, इधर ये पंप से जो है ना प्रेशराइज करता है, उसके बाद डायरेक्ट कूलिंग टावर में भेजता है पानी को। और इधर जो है पूरा कंट्रोल करने के लिए जो है इसका सिस्टम लगा हुआ है, करंट कंट्रोल रूम है पूरा जो है ना, उधर मशीन को जो है यहीं से जो है बंद चालू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हाई करंट वोल्टेज जो है पूरा जो करंट वो लगा हुआ है पूरा, तो चलिए फिर इतना ही जो है आप लोग को। तो भाई साहब अभी जो है मस्त करके जो है खाना पीना जो है खा लिया, और 1 बजे जो है लंच का छुट्टी होता है, तो 2:30 बजे जो है फिर जो है साइड में जाना है, तो थोड़ा यहाँ पे जो है आराम कर लेता हूँ, और पीछे जो है अपना ऑफिस है और यहाँ जो है आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पे जो है।